दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा SP 160 यानी कि 160 CC वाली, यहां पर आप देख सकते हैं, और यह है स्टैंडर्ड मॉडल SP 160 CC वाली है। और भाई साहब इस बाइक को अगर आप देख लेंगे, इसके सारे फीचर्स और प्राइस अगर जान लेंगे, तो भाई इसके सिवा आपको कोई मोटरसाइकिल आपको पसंद नहीं आने वाली है। इसलिए कि SP 125 इतनी धूम मचाई है मार्केट में, तो कंपनी ने फिर भाई उसको पावरफुल थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसमें 160 CC कर दिया, यानी कि नाम वही है बट दम और पावर अलग इसमें ही आपको मिलेगा, मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए होंडा SP 160 और यूनिकॉर्न 160 आता है, बट अदर अगर आप यामाहा की FZ में जाते हैं जो कि 150 CC का इंजन आता है उसके डिटेल्स में, या फिर अदर आप 160 CC की 150 CC की बाइक से अगर आप पल्सर P150 है या N160 है, अगर आप इन सभी से कंपैरिजन में आएंगे ना, तो ये बाइक आपको सबसे ज़बरदस्त मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं आज किस वीडियो में क्या क्या इसमें नया फीचर मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको विंड ग्लास पर होंडा लिखा मिलेगा, LED स्प्लिट में आपको LED वाली लाइट आपको फुल मिल जाती है, ज़रा से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इंडिकेटर ट्रांसपेरेंट ग्लास पर हैजर्ड बटन के साथ मिलता है, देख सकते हैं आप दोनों इंडिकेटर आगे के एक साथ में जल रहे हैं, यानी कि इसके अंदर आपको हैजर्ड बटन भी मिल जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट आएगा। ये रहा इसका मडगार्ड, जो कि आप देखिए मडगार्ड आप इस तरह से देख सकते हैं, सिंगल चैनल ABS भी इसके अंदर आपको मिलेगा। देखिए सेफ्टी फीचर में सबसे पहले यहाँ पर दे दिया है ABS। अब यहाँ पर इसका जो मडगार्ड है वो काफ़ी लंबा चौड़ा मिलेगा, आप देख सकते हैं डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। और ये जो कलर आप देख रहे हैं भाई साहब, ये है दोस्तों मेट डार्क ब्लू मेटेलिक कलर, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चलिए हम सबसे पहले कलर ही बता देते हैं कितने कलर में आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर में ये गाड़ी आती है। पहला कलर आप देख रहे हैं, दूसरा है पर्ल स्टार्टन रेड, और तीसरा आपको मिलता है मेट एक्सिस ग्रे मेटेलिक, और पर्ल डीप ग्राउंड ग्रे, और उसके बाद मेट मार्बल ब्लू मेटेलिक, और पर्ल इग्नियोस ब्लैक, ये आपको मिलता है 6 कलर इस बाइक में, ठीक है 6 कलर। अब ये रहा भाई साहब सामने डिस्क ब्रेक, जो कि आपको भाई काफ़ी गजब का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको टायर मिलेगा वो 8117 का आपको मिल जाता है, और इसका जो डिस्क ब्रेक है वो 276 mm का है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर के साथ आपको मिल जाएगा, और ये जो आप देख रहे हैं व्हील, ये आपको मिल जाता है भाई साहब 17 इंच की इस तरह से। और व्हील जो है ना एलॉय व्हील, ये नई मॉडल की दिया है कंपनी ने, आप देखो आप पहले ये देखिए आप बिल्कुल चेंजेस कर दिया, देखिए ये चीज़ कितना छोटा किया है, ये चीज़ आप देखो एकदम स्टाइलिश लुक में इस व्हील को बनाया है कंपनी ने, आप देख सकते हैं एकदम गजब का मॉडल किया है। तो ये हो गया सामने का पोर्शन। अब देखिए इसमें देखेंगे अगर आप, यहाँ पर देखिए पासिंग बटन, और ये डुअल टोन फिनिशिंग किया, देखिए पियानो ब्लैक यहाँ पर आपको दिखेगा, और यहाँ पर मेट फिनिशिंग बारन, यहाँ पर आपको फाइबर का ही प्लास्टिक का मिलेगा, यहाँ पर भी वैसा ही। इसके अंदर आप देखेंगे तो डुअल टोन फिनिशिंग दिखें, ये है हैजर्ड बटन, ये है सेल्फ स्टार्टर, ये है इंजन किल स्विच। अब उसके बाद इसके अंदर देखेंगे तो ये चीज़ देखिए आप, हैंडल बार पर ये चीज़ बिल्कुल इसमें एकदम यूनिक सा चीज़ है, यानी कि बिल्कुल नया चीज़ यहाँ पर क्या है। और हैंडल बार आप देखो तो एकदम बदल दिया है, ऐसा हैंडल बार दिया है इसमें कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग स्टाइलिश लुक में। अब उसके बाद इसके अंदर अगर आप देखेंगे, देखिए गियर यहाँ पर दिखाएगा आपका, RPM ये दिया गया है, यहाँ पर आपका फ्यूल बताएगा, यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर टाइम, और यहाँ पर आपका बैटरी दिखाएगा, यहाँ पर कितना गाड़ी चली है दिखाएगा, यहाँ पर देखिए सारे इंडिकेशन दिए गए, यानी कि इंडिकेटर का है, न्यूट्रल का है, ABS का है, यहाँ पर पासिंग का है, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पर आपका FI लाइट का मिलता है, और स्टार्ट करके हम गाड़ी आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए RPM देखो कैसे काम करता है, ये देखिए ठीक। और यहाँ पर आपका गियर बताएगा कितने गियर में, यहाँ पर फ्यूल बताएगा, यहाँ पर सेलेक्ट का बटन है, देखिए ट्रिप ए ट्रिप बी कर सकते हैं, टोटल यहाँ पर दिखाएगा, और यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं ठीक है, यहाँ पर सेट का बटन दिया गया है। देखिए एवरेज भी दिखाएगा कि कितना माइलेज दे रही है, तो ये कलर वाली डिस्प्ले दी गई है, ये चीज़ बहुत ही गजब का सिस्टम किया गया है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा आपका LED वाले यानी कि TFT वाली LCD आपको मिलेगी, वो भी कलर में ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ रख भी सकते हैं, इसके अंदर होल भी दिया गया है ताकि पानी वानी अंदर चला जाए, इसके अंदर टिके ना, ख़राब ना हो। ये है इसकी चाबी, इस तरह से आप देख सकते हैं, इसके अंदर डबल चाबी मिलेगी, ये मेन चाबी है, प्राइमरी चाबी यहाँ पर जिस पे होंडा का रेड स्टिकर आपको मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर इग्निशन ऑफ करते हैं, ये रही इसकी की चाबी, तो काफ़ी बढ़िया है इग्निशन, देखते हैं यहाँ पर होंडा आपको लिखा मिलेगा, और यहीं से हैंडल लॉक और ऑन हो जाएगा, ये पूरा डैशबोर्ड रहेगा। यहाँ पर हाई लो बीम पासिंग टर्न सिग्नल हारन, ये देखिए आप डुअल टोन फिनिशिंग के साथ। अब ये भाई देखिए वाव क्या बात है भाई, ये पर्ल ग्रे कलर का आपका यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है, देख सकते हैं हम मेट जो है ग्रे पर्ल फिनिशिंग के साथ इस तरह से देखो आप ठीक है ना, कार्बन एडिशन जैसा। उसके बाद E20 वाला मॉडल है, फ्यूल टैंक आपको मिल जाता है 12 लीटर का, और ये रहा फ्यूल टैंक का कैप काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ, और ये आपको मिल जाएगा भाई 3 टोन में, यानी कि देखो एक ये कलर, एक दो, एक तीन,
इस तरह से आपको पूरा ये फ्यूल टैंक मिलता है। और ये देखिए आप ग्राफिक्स जो है बिल्कुल एकदम नए स्टाइलिश लुक में है, होंडा का 3D वाला इधर स्टिकर भी आपको मिल जाएगा। और दूसरी साइड से भी आपको इस गाड़ी को हम दिखाते हैं, ये देखिए आप, ये इस तरह से आपको मिल जाता है इसका फ्यूल टैंक। और ये 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और अब आ जाइए भाई सबसे ज़बरदस्त फीचर के साथ, यानी कि इसके इंजन पर। तो इंजन जो आपको मिल जाता है वो आपको 162.71 सीसी का और 9.9 किलोवाट का इसमें आपको पावर मिल जाएगा, मैक्सिमम जो पावर दिया गया है और 7500 आरपीएम है। और मैक्सिमम जो टार्क है वो 14.58 न्यूटन मीटर का है और 5500 आरपीएम आपको मिलेगा। PGM-FI वाला इंजन आपको मिलेगा। और इसके बाद दोस्तों इसका जो कंप्रेसर रेटियो है वो 10.01 है। सेल्फ और किक दोनों स्टार्टर है, 162.71 सीसी, 5 गियर इसके अंदर दिए गए हैं। क्लच जो है वो मल्टी प्लेट वेट क्लच आपको मिलेगा। और उसके बाद दोस्तों इसमें 5 गियर दिए गए हैं। माइलेज लगभग आपको 55 से 60 का देगी ये गाड़ी। और यहाँ पर होंडा का ब्रांडिंग। और ये रहा इंजन, आप देख सकते हैं 160 सीसी का पावरफुल इंजन। इंजन गार्ड भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और दूसरी साइड से भी आप इंजन देख लीजिए। देखिए इसके अंदर जो गियर है ना वो स्टाइलिश लुक वाला मिनी गियर लीवर दिया गया है, होंडा का ब्रांडिंग। इंजन देख सकते हैं आप। और ये रहा इंजन गार्ड, देखो ये फाइबर, वाह क्या बात है भाई, मजबूती देखो, स्टील लोहे का मेटल भाई इसमें इंजन गार्ड मिलता है। देखो आप कितनी गजब की मजबूती दी गई है, क्या बात है, वाह भाई। यहाँ पर हॉर्न भी आपको मिलेगा, सिंगल चेसी इस तरह से रहने वाली है। इसके अंदर आप पूरा लुक देख सकते हैं भाई, ये इंजन तो भाई कसम से बहुत ही गजब की चीज़ बना दी है भाई होंडा ने। यहाँ पर साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन फिक्चर, फ्लेक्सिबल फोटस वो भी रबर के साथ ताकि पैर स्लिप ना करे। और ये भी आपको फ्लेक्सिबल फोटस मिलता है वो भी रबर के साथ। अब इसका देखो ये चेसी देखो आप, यहाँ पर फाइबर भी, यहाँ पर गार्ड भी लगा है। और ये देखो यूनिक सा, मतलब सबसे अलग डिज़ाइन दिया है। यहाँ पर भी आप देखो ये स्टाइलिश लुक के साथ बिल्कुल अलग डिज़ाइन है। यहाँ पर भी आपको टैंक वाली फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलेगी, देखिए दोनों जगह पे SP का 3D वाला क्रोम फिनिशिंग के साथ स्टिकर आपको मिलेगा 3D वाले। और अब वाह क्या बात है भाई, स्पोर्ट बाइक भाई, स्पोर्ट एडिशन आप देख रहे हो भाई, ये देखिए आप। और ये जो फाइबर का चेन कवर देखो आप, यहाँ से पूरा दिया गया है। और उसके बाद रियर का जो सस्पेंसन है वो मोनोशॉक सस्पेंसन यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये देखिए आप, वो भी एडजस्टेबल, ठीक है। और यहाँ पर पूरा गार्ड मिलेगा इस तरह से। और चेन ड्राइव तो आप देख ही रहे हैं, चेन पॉकेट देखो स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगी। और वाह क्या बात है भाई, इसकी अलॉय व्हील आप देखो, तो अलॉय व्हील एकदम ज़बरदस्त मॉडल बना है यार। TVS का टायर दिया गया है, SI प्रमाणित वाला। और इसका जो साइज़ है वो आपको मिल जाता है 170 यानी 17 इंच की आपको, 17 इंच की यानी 17 सेक्शन की आपको आगे पीछे दोनों अलॉय व्हील मिलने वाली है। और इसका मॉडल आप देखो, पीछे आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। और इसमें आपको डबल बैरियर मिलेगा, डबल डिस्क सिंगल डिस्क, जो सिंगल डिस्क वाली है स्टैंडर्ड मॉडल इसको बोलते हैं। और यहाँ पर यह रहा इसका साइलेंसर, वो भी पूरा स्टील वाला पपती, इसको आपको मफलर मिल जाएगा। इस साइड से भी आप देख सकते हैं, सारी गाड़ी भी उधर नहीं लगा है, और वो आप ख़रीदेंगे तो लगा मिलेगा। ये रही सीट, वो भी सिंगल सीट में ही आता है, इसमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा, सिंगल सीट आती है। और सीट आप देखिए सबसे गजब की है। और यहाँ पर आपको 160 की ब्रांडिंग, यहाँ पर आप देखते हैं मैट फिनिशिंग का कलर, यहाँ पर ये ग्राफिक्स आपको मिलेंगे, यहाँ पर चाबी लगा के आप सीट को ओपन कर सकते हैं। और ये रही ग्रेब्रिल सबसे स्टाइलिश लुक के साथ, ये देखिए ग्रेब्रिल। और ये देखिए लूप, आप डुअल फिनिशिंग यहाँ पर, ये चीज़ का अलग सिस्टम दिया है। अब पीछे की टेल लाइट, वाह क्या बात है भाई, फुली LED वाली टेल लाइट आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं। तो टेल लाइट काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ यहाँ पर देखिए, ये डिज़ाइन इस तरह से आपको मिलेगी। यहाँ पर होंडा का ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लाइट, इंडिकेटर आप देख रहे हैं चारों एक साथ जल रहे हैं, यानी कि हैजर्ड का बटन ऑन है। और यहाँ पर ये देखिए फेंडर, रियर का जो फेंडर है भाई, ये ज़बरदस्त एकदम दिया है होंडा ने। तो ये हो गए सारे डिटेल्स, रिव्यू होंडा SP160 न्यू 2024 मॉडल, डिटेल्स रिव्यू भाई ऑन रोड। प्राइस है इस बाइक का, देखिए दो वेरिएंट आते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी ऑन रोड प्राइस बताता हूं, तो 1,40,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस है। SP160 स्टैंडर्ड मॉडल, डीलक्स मॉडल डबल डिस्क की 1,45,000 रुपये है। और अब चलिए इसकी हाइट की बात करते हैं, वजन की बात करते हैं, और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो आपको मिलता है 177mm का सबसे बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। और इसकी जो हाइट है भाई वो 1113mm है। और उसके बाद इसका जो वज़न है इस गाड़ी का, सिंगल डिस्क आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 139 किलोग्राम है, और डबल डिस्क 141 किलोग्राम है। और सीट की जो लंबाई है वो 594 है, सीट की जो हाइट है वो 796 है, यानी कि यहाँ से जो सीट है नीचे से आपका पैर की जो, और सीट पर जिस पर बैठेंगे वो 796 है, यानी कि बिल्कुल ज़्यादा ऊंची नहीं है, पैर आराम से आपका आ जाएगा। तो ये हो गए वेरिएंट। और उसके बाद दोस्तों
एलईडी वाली लाइट आप देख ही रही है, 12 वोल्ट की आपको बैटरी 4S की मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका, और उसके बाद डिस्क सामने आपको जो आपको मैंने दिखाया वो आपका मिल ही जाता है 276 mm का, और टायर आपका हो गया, सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल्स में बता दी। अब ऑन रोड प्राइस हो गया, वेरियंट हो गया, कलर हो गया, 6 कलर में गाड़ी आपको मिलेगी। और ये गाड़ी आपको मिलेगी भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं रघुवंशी होंडा, यहाँ पर आपको ये गाड़ी मिलेगी, कालियावाड़ी ग्रीन रोड नवसारी गुजरात। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।